सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक हफ्ते में चौथी याचिका दायर। कथावाचक देवकी नंदन भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। पिछले तीन दिनों में अमरीन भट्ट के हथियारों समेत 10 आतंकी ढेर। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा पलटवार। कहा, चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना अच्छा। असम में बाढ़ के बीच लोगों की मदद के लिए कीचड़ में उतरी आईएएस अधिकारी कीर्ति जल्ली। लोग कर रहे तारीफ। महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद को सीबीआई कोर्ट ने किया तलब। यासीन मलिक के संगठन ने 1989 में किया था अपहरण। '71 के युद्ध के शहीद सैनिकों के प्रतीक राइफल और हेलमेट को इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल में ले जाया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थापित। बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पोस्ट से सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। गुवाहाटी में एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की शिरकत। सीबीआई दफ्तर पहुंचे कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कसा तंज। टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, ये तो तीसरा दिन है। अलापुझा में पीएफआई की रैली में भड़काऊ नारे लगाने पर एक्शन में पुलिस। बच्चों ने पिता को हिरासत में लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपन जुब्बी आईएनएस खंडेरी में हुए सवार। बोले, महाहिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी है, भारतीय नौसेना की तैयारी। लद्दाख दुर्घटना में जवानों के शहीद होने पर पूरा देश गमगीन। राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी सहित अन्य ने जताया दुख। मंकी पॉक्स की पहचान के लिए भारतीय कंपनी ने बनाई आरटीपीसीआर किट। 1 घंटे में संक्रमण का चलेगा पता। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर इस्लामिक सहयोग संगठन ने उठाया सवाल। भारत ने लगाई फटकार। कोयला घोटाला मामले में ईडी ने की तीसरी गिरफ्तारी। सरगना से है आरोपी के सीधे लिंक। 13 शेल कंपनियों की कुल कीमत 28 करोड़। फरुखाबाद में जिला जेल में शासन के आदेश पर नई पहल। कैदियों के उत्पादों की शोरूम में होगी बिक्री। अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प। हाईटेक से 52 वर्षीय युवक की मौत। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बदायूं में पुलिस के वाहन चेकिंग अभियान से हड़कंप। अलापुर में चलाया गया अभियान। बदायूं में सर्वे करना आशा वर्कर को पराभारी। ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला। 11 बाइकों का चालान भी किया।
बिजनौर में पति ने पत्नी की गला रेत कर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। फरीदाबाद में मामूली विवाद पर गुंडों ने किया हमला। हमले में कई लोग घायल। घायल पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। हरदोई में रफ्तार का कहर। जंपर और बाइक में हुई भिड़ंत। बाइक सवार तीन लोगों की मौत। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। लिखा देश में खाली है 60 लाख स्वीकृत पद। मुरादाबाद में बाईपास पर पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। एक को लगी गोली, दूसरे ने किया सरेंडर। देश के हालात और मुसलमानों की समस्या को लेकर मंथन। देवबंद में जमीयत उमेला हिंद का कार्यक्रम शुरू। यूपी में अब कोई बिजली उत्पादक नहीं खरीद सकेगा विदेशी कोयला। निजी घरानों को निरस्त करने होंगे टेंडर। बलरामपुर महिला अस्पताल में दर्द से तड़पती रही गर्भवती। डॉक्टरों ने जांच, ब्लड एम्बुलेंस में उलझ कर रह गया पति। अयोध्या में आयोजित महामेला में बोले लखनऊ के पोस्ट मास्टर जनरल। बेटियों के भविष्य का तोहफा है सुकन्या समृद्धि योजना। वाराणसी में रेत समाधि की भाषा को लेकर हुई थी काफी टिप्पणियां। पुस्तक प्रकाशन के बाद आई थी गीतांजलि श्री। कठौता झील में जलस्तर हुआ कम। लखनऊ के इलाकों में बढ़ेगा जल संकट। 5 मई से बंद है शारदा नहर। पार्किंग वसूली में चल रहा था खेल। लखनऊ नगर निगम ने लिया एक्शन। 2 कर अधीक्षक और 2 निरीक्षक निलंबित। मेरठ में कुख्यात योगेश भदौड़ा समेत 3 को 5 साल की सजा। पुलिस पर किया था जानलेवा हमला। बरेली में व्हाट्सएप मैसेज कर दी अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी। प्रशासन ने खाली कराया अस्पताल। लोक निर्माण मुख्यालय में अधीक्षक अभियंता से मारपीट। अभियंता पद से पदावनत कर्मचारियों पर लगा आरोप। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में हादसा। खड़े मिनी ट्रक चालक की मौत और 5 लोग घायल। अलीगढ़ में आरएमपीएस की नहीं मिली 1800 फाइलें और छात्रों का डेटा। सेमेस्टर परीक्षाओं पर गहराया संकट। पानी और खून से गोरखपुर एम्स पकड़ेगा बीमारियों की नब्ज। शोध के लिए राज्य सरकार से मदद की उम्मीद। गाजियाबाद में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश बिल्लू। तुजाना गैंग का साथी राकेश भी एनकाउंटर में ढेर। कोरोना और मंकी पॉक्स के खतरे के बीच यूपी के जिले में जिंक वायरस का भी अलर्ट जारी। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कट ऑफ तिथि से पहले चयनित शिक्षकों की पुरानी पेंशन पर किया जा सकता है विचार।
मेरठ के मेडिकल थाने में जमकर अराजकता, विवादित पोस्टर इंटरनेट मीडिया पर वायरल, अखिलेश ने कसा तंज। डकैती कत्ल दुष्कर्म करने वाले नबला खरवार गैंग के 9 अपराधियों को मुठभेड़ में दबोचा, डकैतों से तमंच समेत सब्बल रॉड छुरे जैसी खतरनाक औजार भी किए बरामद। बिकरू कांड में ईडी ने कानपुर के पेट्रोल पंप संचालक से की पूछताछ, और भी कई संदिग्धों से पूछताछ। सेना भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, अगस्त में भर्ती रैली कराने की तैयारी शुरू। विधानमंडल के बजट सत्र में विधानसभा में बजट पर चर्चा, सपा की सरकार को घेरने की तैयारी। हल्द्वानी में पीएम आवास के 4 लाभार्थियों को पहली किश्त जारी, शहरी विकास मंत्री को भेजा गया ज्ञापन। ऋषिकेश केंद्र में 400 श्रद्धालुओं के लिए खुला पंजीकरण, लाइन में लगे हैं करीब 2000 श्रद्धालु। गले का फांस बना आमदनी का जरिया, HN इंटर कॉलेज की 42 दुकानों से नहीं मिल रहा किराया। हल्द्वानी में प्रमोशन पाने के लिए अब नहीं चलना होगा 36,000 किलोमीटर, रोडवेज चालकों को मिली बड़ी राहत। पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे निर्माण में परिस्थिति का रहे ध्यान। हरिद्वार में इस बार थीम आधारित पौधारोपण, हरिद्वार ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थलों में रोपे जाएंगे रुद्राक्ष के पौधे। जल जीवन मिशन में पिछड़ा उधम सिंह नगर नैनीताल की स्थिति भी ठीक नहीं, कुमाऊं में बागेश्वर में 90.37% घरों तक पानी के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। समान नागरिक संहिता पर बोले कांग्रेस, कहा जनता का ध्यान भटकाने को सरकार ने उछाला मुद्दा। केदारनाथ के लिए हेली सेवा के नाम पर 1.5 लाख ठगने का मामला, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। GMVN की साइट से हेली टिकट बुक करा सकते हैं। अग्निशमन के मानकों के उल्लंघन में एक रेस्टोरेंट सहित 22 कंपनियों को नोटिस, सिडकुल की कई कंपनियां स्टाफ की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही। समान नागरिक संहिता पर बोले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कहा भाजपा जो कहती है वो करती है। नगर निगम के नए क्षेत्रों के लिए बनेगी नई STP, लोगों को मिलेगी राहत, बस स्टैंड और तहसील परिसर का स्वरूप बदलेगा। हिरासत में ली गई भाजपा विधायक के भाई की पत्नी नाजिया को कोर्ट के आदेश के बाद छोड़ा। हल्द्वानी में देर रात पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में फायरमैन की मौत, फायरमैन के दोनों दोस्त हुए घायल। समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में देवभूमि उत्तराखंड ने देश को दिया बड़ा संदेश। लुहांस्क के गवर्नर का दावा, क्षेत्र में घुसे रूस के 10,000 से अधिक, लगातार हमला जारी, रूसी सेना का लीमन पर कब्जा।
पाकिस्तान में स्वास्थ्य क्षेत्र का बुरा हाल। अभी तक मंकी पॉक्स के टेस्ट की नहीं है सुविधा। भारत समेत कई देश बिना कोई केस के तैयारियों में जुट गए। दक्षिण चीन में भारी बारिश और तूफान का कहर। 15 लोगों की मौत और 3 लापता। भूस्खलन की वजह से 2 बिल्डिंगें ढह गई। WHO का अफगानिस्तान में कोरोना वैक्सीन अभियान। मंकीपॉक्स के रोकथाम का प्रयास जारी। 33 देशों के बच्चों में फैला हेपेटाइटिस। महिला को फ्लाइट अटेंडेंट को घूसा मारना पड़ा भारी। मिली 15 महीने की जेल। इसके साथ ही उसके हवाई सफर करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। पाकिस्तान के CJP उमेर आता बदियाल ने कहा कि इस्लामाबाद में झड़पों के बाद राजनीति दलों पर कम हुआ भरोसा। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के खिलाफ अमेरिका पर एक्शन। उठाया गया अहम कदम। वित्तीय मदद करने पर 2 रूसी बैंकों पर बैन। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर अलापा कश्मीर। राग इमरान खान पर भी साधा निशाना। पीएम ने कहा कि ईंधन की कीमतें बढ़ाना सरकार के लिए आवश्यक था। टेक्सास में 19 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर साधा निशाना। NRA का किया बचाव। पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक सेहत पर भारी पड़ रहा। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का विरोध मार्च। पुलिस ने लगाई गुहार। RBI ने कहा महंगाई थामने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। ग्रोथ रेट के मामले पर अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति मजबूत। RBI से भारी भरकम। लाभांश पाने की केंद्र सरकार की योजनाओं पर फेरा पानी। 2021-22 के लिए दिया 30,307 करोड़ रुपए। घर बनवाना होगा मुश्किल। सीमेंट की कीमत में 55 रुपए की बढ़ोतरी करेगी इंडिया सीमेंट्स ने मार्च में 2 नए सीमेंट ब्रांड पेश किए थे। केंद्र सरकार ने कहा 27 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिक और प्रवासी कामगार पोर्टल पर पंजीकृत। कर्मचारियों को घर बैठे मिलेंगे 35 लाख रुपए। SBI ने शुरू की खास सर्विसेज। मिनटों में खाते में गिरेगा पैसा। टमाटर और आम के दामों में उछाल। 100 रुपए प्रति किलो के पार पहुंचे रेट। उत्तर प्रदेश हर साल 4.5 करोड़ टन आम का उत्पादन करता है। कंपनी की फाउंडर और CEO फाल्गुनी नायर की ब्यूटी स्टार्टअप नायका ने नतीजों का किया निराश। मुनाफे में 49% की आई कमी। हफ्ते के आखिरी दिन कारोबारी दिन शानदार। तेजी के साथ बंद हुए शेयर बाजार। IT और बैंकिंग स्टॉक्स में रही जबरदस्त तेजी। एलन मस्क को दोहरा झटका। ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने किया केस। नेटवर्थ भी घटकर $200 बिलियन के नीचे। एप्पल ने अपने रिटेल कर्मचारियों की शुरुआती सैलरी बढ़ाई। कंपनसेशन बजट में किया एप्पल ने इजाफा। खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित शर्मा और कोहली को आराम की जरूरत। श्रीलंकाई दिग्गज चमिंडा वास का बड़ा बयान। शोएब अख्तर ने की विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की जमकर तारीफ। कहा अपनी पर्सनल लाइफ को क्रिकेट करियर में आड़े नहीं आने दिया।
आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दिनेश कार्तिक को पड़ी फटकार। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच का है मामला। पर्पल कैप की रेस हुई रोचक। चहल को फाइनल मैच में विकेट नहीं मिला तो हसरंगा बन जाएंगे विजेता। बाबर आजम के मुरीद हुए आरसीबी के विकेटकीपर। बल्लेबाज दिनेश कार्तिक कहा रच सकते हैं इतिहास। संजू सैमसन फाइनल में पहुंचने पर बोले कुछ अच्छे से याद नहीं, पिछली आईपीएल ट्रॉफी कब जीती थी राजस्थान। मैच के बाद फाफ डुप्लेसिस ने की आईपीएल की प्रशंसा, बोले लीग के बाद तीन भारतीय टीम को चुना जा सकता है। जोस बटलर ने लगाया सीजन का चौथा शतक, कोहली के दो रिकॉर्ड की बराबरी की। एक और बार चौकर साबित हुई आरसीबी की टीम। ट्रॉफी जीतने का सपना फिर से टूटा, पिछले तीन प्लेऑफ में हार कर हुई बाहर। जोस बटलर ने एक सीजन में पूरे किए 800 रन, सबसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब। कमल हासन की फिल्म विक्रम को लीक या कॉपी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का बदला नाम करनी। सेना के विरोध के चलते यशराज फिल्म स्टूडियो ने लिया फैसला। एस्केप लाइव के शॉकिंग फिनाले का इंतजार खत्म। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आखिरी दो एपिसोड्स हुए रिलीज। पहले दिन ही सुस्त नजर आई एक्टर आयुष्मान खुराना की अनेक। 40 करोड़ की फिल्म की खराब ओपनिंग। रॉकी भाई यश का दुनिया भर में बजा डंका। केजीएफ चैप्टर 2 ने 6 हफ्ते में सिनेमाघरों में टिक कर की ताबड़तोड़ कमाई। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने कास्ट 2022 के रेड कार्पेट पर फिर ढाया कहर। तस्वीरों पर फैंस ने खूबसूरत और ब्यूटीफुल जैसे कमेंट किए। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आएंगी। बिग बॉस सीजन 14 की विजेता रही रुबीना दिलैक। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का फर्स्ट लुक आउट, अलग अंदाज में नजर आए एक्टर। कन्नड़ भाषा में रिलीज हुआ केसरिया गाने का टीजर, रोमांटिक अंदाज में दिखे रणबीर आलिया। टॉम क्रूज ने दिखाया बड़े पर्दे पर हैरत अंगेज एक्शन फिल्म टॉप गन मैवरिक में रफ्तार और रोमांच का अद्भुत प्रदर्शन दिखा। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।